Hey, what's up, मित्रों, मैं सुरेश पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कोंडाने केव्स, जो कर्जत रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेट 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। दोस्तों वैसे दोस्तों मोस्टली यहाँ पे मॉनसून में लोग जाते हैं, बिकॉज राजमाची ट्रेक का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब यहाँ से भी एक रूट है और लोनावला साइड से भी राजमाची ट्रेक करने के लिए रूट है। बट आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे फायर फ्लाइज देखने के लिए, बिकॉज वो एक हॉटस्पॉट है दोस्तों फायर फ्लाइज के लिए। और अभी मई मंथ एंड होने को आया है, तो एकदम बेस्ट टाइम है फायर फ्लाइज देखने के लिए। तो लेट्स सी, आई होप हम लोग को फायर फ्लाइज मिल जाए। अभी हम लोग कर्जत स्टेशन से थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ से 30 मिनट्स में हम लोग बेस विलेज पहुँच जाएंगे, जो है कोंडाने विलेज, और वहाँ से हम लोग को 30 मिनट्स ट्रैक करना है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे हम लोग के लोकेशन पे दोस्तों। और आज हम लोग तीनों हैं, प्रार्थना, अमन और मैं, हम लोग वहाँ पे रात को कैंपिंग भी करने का प्लान तो चालू है। वैसे हम लोग ने टेंट एंड ऑल कैरी तो किया है सब। अगर हमको टाइम पे फायर फ्लाइज दिखे तो हम लोग कैंपिंग नहीं करेंगे, अगर टाइम लगा मतलब लेट हुआ वहाँ पे तो हम लोग कैंपिंग करेंगे और कल मॉर्निंग वहाँ से रिटर्न निकलेंगे। तो अभी हम लोग निकलते हैं, अभी सीधा आपको मैं मिलता हूँ बेस में। कोंडाने केव्स बिगनर्स के लिए एक परफेक्ट वन डे ट्रैक है। कर्जत रेलवे स्टेशन से कोंडाने केव्स 14 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से कोंडाने केव्स के बेस विलेज तक पहुंचने के लिए आपको शेयरिंग जीप्स या टमटम मिल जाएंगे। बेस विलेज से 30 मिनट्स का एक छोटा हाइक है और बस आप केव्स तक पहुंच जाएंगे। ये ट्रैक अगर आप मानसून में करते हो तो ऑन द वे आपको दो वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पानी फिल कर रहे हैं, छोटी सी एक बोतल। दोस्तों अभी हम लोग ने चार बोतल कैरी की है। आई डोंट थिंक सो कि केव के अंदर पानी मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग ने कैरी की है चार बॉटल्स। फुल नाइट हम लोग को वहाँ पे स्टे करना है। वेल दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेस विलेज। ये है उंबरवाड़ी विलेज और एग्जैक्टली बैक साइड आप देख सकते हो राजमाची फोर्ट दिख रहा है। अभी यहाँ तक ही हम लोग की गाड़ी आती है, यहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे। ये जो लोकेशन है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। और यहाँ से अभी आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, 30 मिनट्स में हम लोग का डेस्टिनेशन है। अभी मैं आपको यहाँ का थोड़ा वाइब्स दिखाता हूँ, गाँव के वाइब्स दिखाता हूँ, थोड़े वीडियोज दिखाता हूँ। काय करतो बाबू, रॅकेट खेळतो? तेव्हा तुझा एक मित्र पण आला। अरे अरे अरे, नाव काय तुझं? नाव आणि हा कोण? हर्ष। हॅलो हर्ष, डोक्याला काय लागलं? डोक्याला काय लागलं हे काय? लसूण। कोंडाने केव्स किती लांब आहे तिथून? कोंडाने केव्ज माहिती आहे? कोंडाने लेणी, हा किती लांब आहे ती? 2 मिनिटं लागतील, 2 मिनिटं। आज क्लाउड्स थोडे कम आहे आप देख सकते हो दोस्तों, बट कल ठाणे में एकदम अच्छी खासी बारिश गिर रही थी, आप देख सकते हो। अगर आज रात को भी बारिश होती है तो हम लोग को और अच्छे फायर फ्लाइज मिलेंगे। आ गए टाइम पास की दुकान। कितना टाइम पास? ट्रैक स्टार्ट करने का दोस्तों 4 बजे, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30 हो गए। अभी हम लोग को प्रॉपर नाइट ट्रैक करना पड़ेगा। क्या लाया इतना तुम लोग ने? वड़ा पाव। इतना वड़ा पाव? चलो अभी नाइट ट्रैक के लिए।
दोस्तों अभी हम लोग ने सोचा यहाँ पर ही थोड़ा खा के फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। आप देख सकते हो अभी 5-10 मिनट में प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा। ये बाबू बस हम चोर खाएला पानी क्यों नहीं हो, पानी आए हम झगड़े, पानी आए हम झगड़े। दोस्तों अभी हम लोग नाश्ता करते हैं एंड देन ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ही है केवल, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, 30 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। बस हम लोग को फायर फ्लाइज मिलने चाहिए। मस्त यहाँ पे अमन ने लाई है पनीर की सब्जी एंड चपाती, होममेड है। वेल दोस्तों अभी हम लोग ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ही कोंडा ने केव्स का बोर्ड है। अभी यहाँ से 30 मिनट्स का हाइक है, 30 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे केव के पास। एंड अभी थोड़ा सा नाइट ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़े टाइम में प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा, तो नाइट ट्रैक करके जाएंगे। मतलब मे बी बिफोर अंधेरा भी हम लोग पहुँच सकते हैं, 30-35 मिनट्स का डिस्टेंस है। लेट्स सी अभी। ये जो ट्रैक है उसको काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो ऐसे एरो मार्किंग्स आपको मिलेंगे एंड सीधा सीधा ट्रेल है, ज़्यादा कुछ बड़ा ट्रेल नहीं है। गर्मी में आग लगा रहे हो। डालू? गिरना नहीं चाहिए साइड में। गुड मॉर्निंग गाइज, आप देख सकते हो मेरे बैक साइड कोंडानी केव्स। हम लोग यहाँ पे जो मेन रीजन के लिए आए थे फायर फ्लाइज दिखने के लिए, वो तो मिला नहीं, बिकॉज यहाँ पे बारिश ही नहीं गिरा है। गाँव वाले से मैंने कल पूछा कि फायर फ्लाइज दिखेंगे, तो उन लोग बोल रहे कि आप जाके चेक करो केव के पास, मे भी दिख सकते हैं। हम लोग को दिखे बट 2-3 फायर फ्लाइज दिखे, उससे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। जैसे हम लोग को चाहिए था वैसा तो कुछ मिला नहीं दोस्तों, तो हम लोग थोड़े से नाराज थे। हम लोग ने मतलब लिटरली पूरी रात में जागा कि अभी दिखेंगे बाद में दिखेंगे, बट सुबह हो गई बट फायर फ्लाइज दिखे नहीं। बट नो वरीज दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो केव्स है, मतलब मॉनसून में यहाँ पे मैं ज़रूर आऊँगा फिर से, बिकॉज यहाँ पे एकदम मस्त ऐसा वाटरफॉल गिरता है दोस्तों। बट अभी भी ये केव्स मतलब एक्सप्लोर करने जैसी है। यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, हम लोग बस 3 लोग हैं, और कल हम लोग ने यहाँ पर ही सो गए थे, मतलब टेंट सेटअप नहीं किया, यहाँ पर ही सो गए। ऊपर एकदम मस्त ओपन स्काई था, ठंडी हवा आ रही थी, तो यहाँ पर ही सो गए। सोचा टेंट वेंट की ज़रूरत नहीं है, इतने ब्यूटीफुल केव के सामने बैठ के नाई खाने का मज़ा कुछ और ले रहा है दोस्तों। मॉनसून में तो यहाँ से ऐसा पूरा वाटरफॉल रहा है, 2 वाटरफॉल्स रहते हैं वहाँ पर, एक और यहाँ पर एक। बट मॉनसून में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों, बिकॉज भर भर के लोग आते हैं केव्स देखने के लिए एंड मोस्टली वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं ये केव्स आपको ठीक से बताता हूँ। आप देख सकते हो क्या ह्यूज ये केव है, ये सबसे बड़ा और सबसे मेन केव है। कोंडानी केव्स एक 1st century BC यानी कि आज से लगभग 2100 साल पुराने बुद्धिस्ट केव्स है। यहाँ पे 2 मेन केव्स है। पहला केव है चैत्य, जो एक नॉर्थ वेस्ट फेसिंग केव है। ये एक आर्क शेप का केव है। ये केव 28 फीट ऊंचा, 65 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा केव है। यहाँ पे आपको बीच में देखने मिलेगा एक बड़ा सा स्तूपा, जो थोड़े से रुइंड कंडीशन में है। ये केव एक प्रेयर हॉल है। दूसरा केव है विहार, ये एक नॉर्थ ईस्ट फेसिंग केव है। ये केव एक प्राइमरी मेडिटेशन हॉल है। इसका वरांडा यानी कि बरामदे के आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज है, सिर्फ लेफ्ट कोना बाकी है। ये वरांडा तकरीबन 6 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा था। अंदर का हॉल 23 फीट चौड़ा, अंदर की तरफ 29 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा है। यहाँ पे ऑक्टेगोनल यानी कि अष्टकोणी पिलर और उनके ऊपर बीम्स देखने मिलेंगे।
केव में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के 12 सेल्स यानी कि रूम्स आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों आज 2000 साल बाद भी ये इतना सुंदर और लाजवाब लगता है तो उस जमाने में कितना सुंदर दिखता होगा। मेन केव के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड यहाँ पर एक वाटर सोर्स है, पानी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बट आप देख सकते हो यहाँ पर एक पानी का सोर्स है और यहाँ पर भी वाटर टैंक है छोटे छोटे, ये भी आप पानी देख सकते हो दोस्तों। नीचे का पूरा दिख रहा है बट पानी कुछ ठीक नहीं है, मतलब पीने लायक पानी नहीं है। यहाँ पर भी एक वाटर टैंक है छोटा सा एंड यहाँ पर रूम्स है आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ये और यहाँ पर, यहाँ का जो कार्विंग है दोस्तों उसका डिटेलिंग आप देख सकते हो। ये जो पोर्शन है दोस्तों वो एग्जैक्टली यहाँ से टूट के गिरा है आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन भी मिसिंग है थोड़ा सा एंड ये जो है वो पूरा वुडन कंस्ट्रक्शन है, अभी पता नहीं है कितना पुराना है। और ये जो कॉलम्स है दोस्तों ये भी देख के लग रहे हैं कि रिसेंटली बनाए गए कॉलम्स है ये जो है वो, बट एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। वेल दोस्तों हम लोग ने हमारा सारा कचरा उठा लिया है एंड अभी हम लोग फिर से आएंगे मानसून में, काफ़ी मस्त केव्स है दोस्तों। मानसून में आके अलग वाइब्स रहते हैं, अभी भी ऑफकोर्स अलग वाइब्स है प्री मानसून, बट मानसून में एकदम मज़ा आएगा दोस्तों। तो जब प्रॉपर मानसून स्टार्ट होगा फिर से आएंगे यहाँ पर। ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।